गाइस कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मेरी रात तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, मुझे अस्थमा प्रॉब्लम सी हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे नेबुलाइज किया और घर आके भी मैंने नेबुलाइजर किया। तो गाइस हम कर रहे हैं सफाई, क्योंकि सुबह की सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो घर फैला होता है। इसके बाद मैं बेडशीट वगैरह सही करके करूंगी। ये जो फैला उसे रखती हूँ। बच्चों के घर में तो गंदगी कुछ ज्यादा ही होती है, बड़े भी हो जाएं बच्चे तो, या तो लड़कियां हो, समझदार होती है लड़कियां, लड़के तो कुछ करते ही नहीं है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। पीलो जहाँ फैले फैले। रात मेरी हो गई थी, तबीयत खराब गई। देखो मैंने नेबुलाइजर किया, प्रॉब्लम हो गई थी ब्रीथ में, और अब थोड़ा आराम है तो घर के काम करो। आराम कभी नहीं होता लेडीज को। बस ये देखो गाइस, ये भी कमरा ऐसे फैला हुआ है पूरा कमरा। अब मुझे करनी है यहाँ की सफाई, तो चलो करते हैं सफाई। अब कर दूंगी सफाई, फिर तो पैर तक देखना यही हाल हो जाएगा, पूरा दिन खटते पटते रहो। पहले करते हैं उस कमरे को साफ। पूरा घर फैला पड़ा, पूरा घर। ये देखो बच्चों की कॉपी किताब, ये देखो जहाँ लेंगे उठाएंगे नहीं। माँ है काम करने के लिए, बच्चों को क्या भी करें। अब पेपर भी नहीं उठाएंगे बच्चे, पेपर देखो पढ़ लिया यही छोड़ दिया। एहसान होता है हमारे ऊपर कि हमने पढ़ तो लिया, उठाएं क्यों? ये मेरी मेडिसिन पड़ी हुई है, रात बहुत दिक्कत हुई थी, 4 घंटे मैंने झटके बिताए, सांस में कठिनाई हो रही थी। नेबुलाइजर लिया मैंने रात 2 से 6 बजे का टाइम, बड़ा मुश्किल से बीता। तो मैंने इन सबको रख दूंगी क्या, दिन में एक बार नेबुलाइज करूंगी, थोड़ा और आराम मिल जाएगा क्योंकि काम में फिर लगना है। ये देखिए से कह देंगे क्यों होती है बीमारी, पड़े पड़े होते हैं तुम्हारी बीमारी। अब आप बताओ कितना पड़े जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े, अपने ऊपर तो हम बिल्कुल ध्यान देते ही हैं, बच्चों का करो फिर टेंशन लो। तो कर दूं देखो, पैसे भी नहीं उठा के थे यार। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जो लक्ष्मी होती है उसे छुपा के रखो, दबा के रखो, रात के बच्चे फैला देते हैं, 1 रुपया भी होगा तो इधर उधर पड़ा रहेगा, उसकी कुछ वैल्यू नहीं समझते। हमारे ऊपर डांट पड़ती थी, पैसे ऐसे कैसे फेंक दिए। आजकल के बच्चे तो कुछ कुछ किसी भी चीज की वैल्यू नहीं रहती दिमाग में, सब क्या हो गया। लड़कियां फिर भी समझदारी से चलती, कर दूंगी। स्कूल से आते ही कोई ड्रामा हो जाएगा, घर में 3 बार सफाई कर लो, 4 बार कर लो कम है, पढ़ते रहो। सुबह 5:30 बजे 5 बजे उठ के भी रात को 11 बजे तक कोई फुर्सत नहीं होती। बेड हो गया साफ, अब फिर मैं करूंगी इसकी बेड की डस्टिंग कॉलिन से। अब मैं आ गई दूसरे कमरे में, तो बेडशीट वगैरह झाड़ के सही से करूंगी और सारे कमरों की बेडशीट वगैरह करके उसके बाद डस्टिंग करूंगी कॉलिन से, बेड वगैरह होगी।
तो क्लीनिंग हो जाएगी, डस्टिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी। तो अभी देखो, मैंने कल ही आपको बताया था कि बाथरूम के दरवाजे खुले रहते हैं तो खुले ही रहते हैं, हमारा बाथरूम का दरवाजा खुला ही हुआ है। अब इसे करूँ बंद, अच्छे नहीं लगते खुले हुए दरवाजे, बहुत बुरे लगते हैं ये। देखिए हाल बेहाल करता है ये, तो मुझे ये तो आपको रोज देखने को मिलेगा, पढ़ते नहीं है जितना फैलाते हैं बच्चे। ये देखिए एहसान हो रहा है हमारे ऊपर, पढ़ रहे जी, पढ़ रहे हैं हम। ये देखो हालत किताबों की, कॉपियों की फाड़ के फेंकेंगे, कोई चीज सही नहीं मिल सकती। ये देखिए पल्लवी की रोज करना है ये तो मुझे, छोटा वाला ज्यादा ही फैलाता है, मेरा समझ में नहीं आती सड़के में, उसका हर चीज का यही हाल है। जैसे कि अपने कपड़े फेंकेगा, मैं कर दूंगी इसकी सही, स्कूल से आएगा बैग का ही, बुक्स का ही, बच्चे सुनते भी तो नहीं है क्या किया, बच्चों की सुनो, हस्बैंड की सुनो, किस किस की सुनो, रिश्तेदारों की सुनो, पड़ोसियों की सुनो, किस किस की सुने। अभी देखो आपके सामने लगा रही हूँ और कल फिर इसका हाल दिखाऊंगी कि यही मिलेगा जो अब सुबह मिला है, पता नहीं कैसे हम तो रखते नहीं थे ऐसे, एक एक चीज समेट के रखते थे। अब बुक्स चाहिए, हर बुक्स चाहिए, हर हो जाए चाहे यूज ना करें उसका, लेकिन ढेर लगा रहे हैं घर में और ना ला के दो तो मुसीबत, आपने हमें दिलवाई नहीं थी, पढ़ते तो कैसे पढ़ते, जितनी ज्यादा फैसिलिटी हो रही है उतना बच्चा बिगड़ रहा है। इन बातों को कौन समझे, मम्मा किस किस की है। सब कही हो जाता है माँ बिगाड़ रही, माँ बिगाड़ रही, कोई चाहेगी माँ बिगाड़ना बच्चों को, मुझे तो नहीं लगता, आप बताइए कोई माँ ये चाहेगी कि मेरा बच्चा बिगड़ता है। लेकिन बाप ये दोष दे देते हैं कि तुम बिगाड़ रही हो, रिश्तेदार दोष देते हैं, माँ का दोष है, ये नहीं समझते कि बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब देखो मैंने ये सेट कर दिया इसका, अब कल हाल देखना आप इसका, सुबह आपको फिर दिखाऊंगी कि इस बदले ने क्या कर रखा है। आ गई मैं दूसरे कमरे में, कमरे की भी करते हैं सफाई, ये कमरा ज्यादा गंदा नहीं होता, फैलता कम है, तो जल्दी जाके इस कमरे की सफाई। इसकी तो बेडशीट सही करो और थोड़ी सी क्लीनिंग करो, डस्ट वगैरह साफ करके, और ये क्लियर हो जाता है कमरा। तो अब आ गई मैं डाइनिंग एरिया में और करती हूँ इसे क्लीन। ये देखिए कितने फल आए रखे, लेकिन खाने वाला कोई नहीं, नहीं होंगे तो कहेंगे लाते कब, खराब हो के जा रहे हैं, सभी बच्चों का रोना है, अच्छी चीजें दो नहीं खाएंगे, बाहर की चीजें खिला रहे हैं। मैंने इसकी तीज रखूंगी सामान जो जहां से लिया जाता है, ये देखो टावल, टावल की जगह हमें से साथ के साथ कॉलिंग भी कर दूंगी, फिर इस पे डस्ट तब भी नहीं लगेगी, फिर मैं इस पे
इसका टेबल क्लॉथ बिछा दूंगी, इसीलिए मैंने इसे डाला हुआ कि बार बार गंदा करते रहते हैं डाइनिंग को, तो मैंने ये टेबल क्लॉथ लगा दिया तो इससे थोड़ा गंदगी बच जाती है बार बार की। ये एक लड़का मुझे परेशान करता है, देखिए मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानता है ये, इससे को कुछ कर ले तो करता नहीं है, ना तो पढ़ता है ना खेलता है ना मेरे ही काम में सपोर्ट करता है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबको वायरल कर दें इस लड़के की तस्वीर। ये जूते पहन के देखो, अभी मैंने साफ किया है, जूते पहन के ये कमरे में आ गया है, ये देखिए अभी एक किलो तो मिट्टी लेके आता है ये कमरे में। मैं साफ कर दूंगा ये कह देता है, मैं साफ कर दूंगा, पर कभी दूंगा नहीं होता इसका।